भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। शुक्रवार सुबह मार्केट खोलते ही सेंसेक्स 273 पॉइंट उछलकर 60,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 273 पॉइंट की बढ़त के साथ 60,158 पर खुला और इससे एक दिन पहले सेंसेक्स 59,885 पॉइंट पर बंद हुआ था। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स में 958 पॉइंट की उछाल देखी गई थी। शुक्रवार को भी सेंसेक्स में भारी उछाल देखने को मिल रही थी। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज इतिहास रच सकता है। निफ्टी 18,000 का आंकड़ा पार करने से कुछ ही पॉइंट पीछे है। गुरुवार को निफ्टी 276 पॉइंट यानी 1.57% उछलकर रिकॉर्ड 17,822 पॉइंट पर बंद हुआ था। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने गुरुवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इसी वजह से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी दिख रही थी। हालांकि गुरुवार को अमेरिकी बाजार में 1% की ही तेजी आई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को अमेरिका में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन शॉर्टमैन ने कहा था कि भारत दुनिया में निवेश के लिए ब्लैकस्टोन में सबसे अच्छा बाजार है और अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भी है, इसलिए हम बहुत आशावादी हैं और हमें गर्व है कि हमने भारत में अच्छा निवेश किया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।